नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ साथियों, आपको मैं बता देता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आप ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अशोक जी राउत ने कहा है कि अब काफी पेंशनर हैं, उनके कमेंट निकल कर आ रहे हैं कि हमें 75+ जल्द सरकार दे, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ कि सितंबर में आखिर किस दिन मिलेगा आपको 75+ डीए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, तथा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। जी हां, आपको मैं बता देता हूं कि सितंबर को आपको ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 75+ डीए प्लस मेडिकल सुविधा के संदर्भ में ईपीएस 95 पेंशन के 65 लाख पेंशनरों को 75+ डीए वो सितंबर में मिल सकता है। आखिर काफी पेंशनर्स हैं, परेशान हैं कि सितंबर अगस्त बोलकर हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे साथ बेवकूफी की जा रही है। तो आपको मैं बता देता हूं फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से एक पत्र भी जारी हुआ, उसमें लिखा था कि आपको 75+ डीए के बारे में अशोक जी राउत ने कहा था कि अगस्त या सितंबर में, तो आपको जरूर अशोक जी राउत ने कहा। तो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उन्होंने कहा था कि अगस्त या सितंबर के अंत तक मिल जाएगा। तो सितंबर के अंत जैसे ही 10 सितंबर तक आपको फैसला मिल जाएगा कि आपको 75+ डीए मिलेगा या नहीं। 5 सितंबर तक लगभग आपके लिए बड़ी घोषणा हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास कोई अशोक जी राउत का ट्वीट आएगा, जैसे ही ट्वीट प्रकाशित करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि 75+ डीए आपको इस दिन मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करना।